आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके सामने में ही, अगर पारा 45 डिग्री के पार कई जगहों पर पहुंच जाए तो फिर सोचने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं कि करें तो करें क्या। गर्मी और तेज धूप से लोगों का हाल बेहाल है। घर से बाहर निकलते हैं तो लू की चपेट में आ सकते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा सेफ रखने की जरूरत है। घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लू और गर्मी ने लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। गर्मी से बचने के उपाय करें और फिर खुद को सेफ सिक्योर रखें, यानी कि गर्मी से होने वाली परेशानियां, गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल में यहाँ 44-45 के आसपास टेम्परेचर चल रहे हैं और काफी दिन से चल रहा है, जिसके चलते हम लोग रेड अलर्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं रेड रीजन में 3 दिन तक। झारखंड में अभी आज से हमारा अलर्ट थोड़ा कम कर दिया है, यानी कि येलो अलर्ट में ही चलेंगे, मगर बिहार और उड़ीसा और बंगाल 3 दिन, और उड़ीसा बंगाल स्पेशली आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश, आपका रायलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इन सभी राज्यों में अभी 1 से 5 दिन तक हमारा हीट वेव का स्थिति जारी रहेगा। और क्योंकि ये हीट वेव लॉन्ग स्टैंडिंग है और हीट वेव के इम्पैक्ट राज्यों में। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन को आपने सुना, कैसे वो बता रही थी कि अगले आने वाले कुछ दिन में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाले हैं और देश के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां गर्मी की मार ज़्यादा रहेगी, यानी कि ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, मई की शुरुआत अभी हुई नहीं है, अप्रैल महीने में ही। चिलचिलाती गर्मी से उत्तर भारत बेहाल, देश भर में लू का कहर, तापमान रिकॉर्ड तोड़, हीट वेव का कहर। देश भर में लू का कहर जारी है। बंगाल में रेड तो बिहार समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बढ़ती गर्मी और लू, भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बिहार और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। देश भर के कई शहरों में गर्मी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान के चढ़ने की चेतावनी दी है। गर्म हवा के झोंकों से पूरा देश झुलस रखा है। भीषण गर्मी से दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी राहत नहीं मिल पा रही है। बिहार में भीषण गर्मी का कहर अगले 5 दिनों तक जारी रहने के आसार है। वहाँ पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रिकॉर्ड किया गया। पटना में भी 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बिहार के भागलपुर, नवादा, बांका और खगड़िया भी गर्मी की चपेट में रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों से ये बात सामने आई है कि देश में बीते एक सप्ताह में रोजाना औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में इजाफा हो रहा है और आने वाले कई दिनों तक गर्म हवाओं का प्रकोप बदस्तूर जारी रहेगा और जून में हालात और भी ज्यादा खराब होने के आसार है। ऐसे में लोगों को बचकर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गर्मी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। गर्मी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है, लेकिन गर्मी से ही सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई से प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुंबई के मौसम का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक चंद्रा, भी गर्मियों की छुट्टी भी बच्चों की शुरू होने वाली है। जी फिलहाल जो मुंबई में जो वेदर है वो अभी तक 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। 40 डिग्री का तापमान देखा जा रहा है मुंबई में। फिलहाल जो सूर्य देवता का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है। मैं फिलहाल अभी ये आइसक्रीम सेंटर के सामने खड़ा हूँ, जहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो समर की जो एक धूप बढ़ गई है मुंबई में, उस तरीके उनको क्या हो रहा है। सर, आपको जो धूप बढ़ गई, चैत्यभूमि में आया था बाबा साहब आम्बेडकर के इसके दर्शन लेने के लिए, तो 2 मिनट में जाके आने को मेरे को चक्कर आना चालू हो गया, तो मैं इधर ही का आके पानी पिया और आइसक्रीम खाया। तो मैं सबसे विनंती करता हूँ कि जो लोग भी है वो सारे के सारे बाहर तो एक तो जाइए मत, आप बहुत ही ज़्यादा धूप है, और अगर से ऐसे कोई कारण आ जाते जिसके वजह से अपने को बाहर पानी पीने या फिर बाहर जा। सर, इसलिए बोला कि मुझे चक्कर आ गए, इतनी ज़्यादा धूप है मुंबई में। हम लोग और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, जो धूप है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो मुंबई धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्पेशली मैं तो मैं बोल रहा हूँ फैमिली वालों को कि घर से बाहर ना निकले,
आपसे अनुरोध है अगर से बाहर निकलते हो तो अपने साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ में लेके निकलो और स्कार्फ स्पेशली अपने सर के ऊपर में स्कार्फ रहता है वो लेके चलो, इससे किसी को नागपुर से ज़्यादा यहाँ पे मुझे धूप लग रही है। मैं स्पेशली दिखा रहा हूँ आपको, ये आइसक्रीम खा रहा हूँ, इतना धूप है यहाँ पे। तो अभी जो धूप बढ़ गई है इस पर आप क्या प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं आप यहाँ पे? प्रिकॉशंस ये है कि बस मैं ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकल रहा हूँ, बस बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर के चित्र में आया था मैं दर्शन लेने के लिए, अब यहाँ सीधा घर जाने वाला हूँ और घर से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ और सब लोगों से ये राय देता हूँ मैं स्पेशल मैं पानी पीना चाहिए लगातार पानी पीना चाहिए आइसक्रीम पीना चाहिए शिकंजी पीना चाहिए और उसके बाद ही अगर हम लोग मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट दे चुके हैं। जी जिस तरीके से हीट वेव परेशान कर रही है, लोग अवेयर भी बहुत ज़्यादा हैं इस गर्मी से कैसे बचना है, लेकिन बावजूद इसके कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनसे बचा नहीं जा सकता। अभिषेक चंद्रा भी हमारे साथ हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पटना में गर्मी का क्या हाल है, टेम्परेचर अभी क्या बना हुआ है? अभिषेक चंद्रा से शायद संपर्क टूट गया है। प्रथमेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, आम लोग जागरूक तो हैं कि पानी की बॉटल कैरी करके चलना है, सिर खुला ना हो, सिर को ढककर चलना है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन क्या इतने इंतज़ाम काफ़ी हैं? क्योंकि मुंबई तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पड़ती नहीं है, गर्मी में और ज़्यादा गर्मी भी बढ़ेगी, समंदर है। जी फिलहाल यहाँ देखिए, मैं अभी जहाँ खड़ा हुआ पास में समंदर ही है और फिलहाल जो मुंबई में गर्मी पड़ी है इसके लिए जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर काम की ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकले, वरना 11 से 5 के बीच में घर से बाहर ना निकले। मेरे साथ यहाँ जो इनकी जो आइसक्रीम के जो दुकान है उनके मालिक है यहाँ पे। सर देख रहे हैं कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए या तो पेड़ों का सहारा ले रहे हैं या फिर जो ठंडी चीज़ें हैं उनको खा रहे हैं। इस वक्त मैं जिस मार्केट में मौजूद है वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सीजनल फ्रूट जो है वो बहुत बिक रहा है, इसको ककड़ी बोली जाती है और ये ककड़ी जो है हाइड्रेट भी करती है और इसको खाने के कई सारे फायदे हैं। भैया बैठे, भैया से बात करेंगे। भैया क्या रेट चल रहा है ककड़ी? 40 रुपये किलो सर। क्या फायदे हैं इसको, क्यों खाना चाहिए? गर्मी में ही आती है क्योंकि गर्मी आती है, पानी की पूर्ति करती है जी। हाँ जी, पानी की पूर्ति करती है, इसलिए खाते हैं। हरी सब्जी के हरी चीज़ खाने से हरी चीज़ गर्मी के माहौल में देखिए खीरा ककड़ी ज़्यादा चलता है, इसलिए हम लोग बेचते हैं जो सबसे सस्ता माल बेचते हैं। हो रही है जी जी। हाँ तो अपना थोड़ा बहुत बिक जाता है। हाँ